हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बेल का शरबत। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे हाथों में ये एक बेल है, तो इसका हम शरबत बनाएंगे जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर को बहुत ही ठंडक देता है और कब्ज की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो चलिए इसको पहले हम किसी भारी चीज़ से तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेल को तोड़ लिया है। अब इसके अंदर का जितना भी पल्प है इसको हम निकालेंगे। यहाँ पल्प निकालने के लिए मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारा पल्प हमें एक कटोरे में निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा बॉल का यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर जितना भी पल्प है हम सारा इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर बहुत सारा पल्प होता है। तो बेल का जो छिलका होता है वो भी काफ़ी मोटा होता है, उस छिलके पे भी जो पल्प होता है चिपका रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसका जो छिलका है उसका मैंने पल्प जो है खुदच खुदच कर निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्प की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, एक ही बेल में इतना सारा पल्प निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं एक ग्लास से दो ग्लास इसमें पानी डाल रही हूँ। अभी मैंने इसके अंदर नॉर्मल पानी डाला है। नॉर्मल पानी डालने से जो इसका पल्प है अच्छे से जल्दी से इसमें पानी में मिक्स हो जाएगा। तो इसे हमें चम्मच से अच्छे से दबा दबा के मैश कर लेना है। तो यहाँ पर आप मैशर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि एक स्टेज पर ये जो पानी के अंदर है बहुत ही अच्छे से जो ये पल्प है वो मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हाथ का यूज़ भी कर रही हूँ ताकि जितने भी जो पल्प है वो अच्छे से और गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें एक लीटर ठंडा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरा बर्तन लेकर अब मैं सारा जो पल्प है इसके अंदर से छान लूँगी और इसको हम दबा दबा के छन्नी से अलग कर लेंगे जो भी पल्प है। तो चलिए अब हम इसको छान लेते हैं। और यहाँ पर अब मैं चम्मच की सहायता से बिल्कुल दबा दबा के ये जो सारा पल्प है किसी दूसरे बर्तन में हम इसको अलग कर लेंगे और इस पल्प का भी हम दोबारा से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको छान लिया है। दबा दबा के जितना भी पल्प होगा हम इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल का जूस जो है छान के अलग कर लिया है और बचे हुए पल्प में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और इसको हम दोबारा से उस जूस के अंदर छान के अलग कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने एक ही बेल से कितना सारा हमने जो जूस है तैयार कर लिया है और ये पूरे परिवार के लिए इनफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पल्प है इसको ऑलमोस्ट मैंने ड्राई कर लिया है, छान छान के जितना भी इसके अंदर से हमने जूस है निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप जूस की क्वांटिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 से 6 लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है ये जो जूस है और इसके अंदर हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कई बार बेल जो होता है कड़वा होता है। तो आप हल्का सा चख कर देख सकते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत कड़वा है आप चीनी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। ग्लासेस मैंने आइस क्यूब डाल के छना हुआ बेल का जूस इसमें ऐड कर दिया है। इसको आप पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप बेल के जूस की ये जो रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली बार किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।